और उधर लखनऊ में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म अपनाकर मोहम्मद सलीम बन गया है राजवीर सिंह। पूरे रीति रिवाज और पूजा पाठ के साथ सलीम बना है अपने परिवार के साथ हिंदू, और सलीम की पत्नी और बेटी ने भी हिंदू धर्म अपना लिया है। सामिया सिद्दीकी बन चुकी हैं पूनम सिंह और बेटी सुजाना बन गई हैं सुजाना सिंह। सलीम की पत्नी ने जेठ और ससुर पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, और सलीम और परिवार को मिल रही थी लगातार जान से मारने की धमकी। मुख्तार अंसारी के नाम से सलीम को दी जा रही हैं धमकियां, लगातार फोन पर उसको और उसके परिवार को धमकी दी जा रही है। परिवार की प्रताड़ना से तंग आकर सलीम ने हिंदू धर्म अपना लिया और बन गया राजवीर सिंह। यूपी की राजधानी लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद सलीम राजवीर सिंह बन चुके हैं। उनकी पत्नी सामिया सिद्दीकी अब पूनम सिंह के नाम से जानी जाएंगी और बेटी सुजाना सिद्दीकी अब सुजाना सिंह बन चुकी हैं। मोहम्मद सलीम का आरोप है कि उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की, लेकिन घर वालों ने उन्हें कभी भी नहीं अपनाया और सुजाना पर जुल्म करते रहे। जैसे मैं शादी करके फिर आया अपने घर पे, तो इसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार चालू होने लगा। जैसे कि इससे जो है, मतलब कि आप समझिए कि इसके धर्म में जो भी प्रतिबंधित मांस है वो बहुत ही वो है, तो इसको बनाने के लिए कहते थे, फिर इसको खिलाया भी, खिलाया प्रसाद कह के, ये प्रसाद है बहुत ज़रूरी है खाओ। फिर इससे तरह तरह का गंदा व्यवहार, इसको गंदी नज़र रखना इसके ऊपर। सामिया सिद्दीकी से पूनम सिंह बनी राजवीर की पत्नी ने बताया कि उन्हें मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था। मेरे जेठ वसीम अकरम सिद्दीकी और मेरे फादर इन लॉ जो मोहम्मद हनीफ हैं, इन लोगों ने जबरन मुझे इस्लाम कबूल करवाया। मेरे डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए सामिया सिद्दीकी, और ये आधार वगैरह इस नाम से बनवाया। इन्हीं आरोपों के बीच सलीम ने आज पूरी विधि विधान और पूजा पाठ के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इनकी मदद की।